हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नमस्कारम, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए ताकि हम सेशन को शुरू कर पाए। वेरी गुड इवनिंग आयुष जी, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, आ गए क्या सारे? बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज का राउंड है एमपी हिस्ट्री के, हमें क्वेश्चन करने हैं, है ना। मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करूंगा, प्रेजेंट करूंगा मैं, अंशुल तिवारी। आगे बढ़ते हैं, जब तक सभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में समझ लेते हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर अभी, और आपको आ जाना चाहिए कहाँ पर? अनअकैडमी पर। क्यों आ जाना चाहिए, है ना? देखिए, अनअकैडमी पर आने के बहुत सारे कारण हैं। पहले तो आपको फ्री चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना। हर हफ्ते आपको करीबन 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू जो है देखने को मिल जाएंगे, 500 से ज़्यादा क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसी तमाम चीज़ें आपको अनअकैडमी पर देखने को मिल जाएंगी। तो अभी आपके जो कि एग्ज़ाम पास आ रही है, तो आपको बिल्कुल अनअकैडमी पर आ जाना चाहिए। अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका थ्योरी कोर्स भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। पर अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको थोड़ा फायदा रहेगा, क्योंकि अभी रेट बढ़ने वाले हैं, उसके पहले ही आप ले लेंगे तो आपको फायदा रहेगा। अब रेट बढ़ा रहे हैं, बहुत नॉमिनल से रेट बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम प्लस की टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, मेन्स की टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, है ना। कहाँ पर आ रही है? तो ये अनअकैडमी प्लस पर आएगी। अभी आप लेते हैं तो एक ऑफर भी चल रहा है, ये ऑफर जो है 11 जुलाई तक वैध है ना। 11 जुलाई के पहले जो भी रहेगा उसे कम रेट में, जो अभी प्रेजेंट का रेट है उसमें जो है ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें 2 साल पर 3 महीने और 1 साल पर 2 महीने एक्स्ट्रा आपको पढ़ने को मिल जाएगा। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, कल और परसों 10 और 11 जुलाई को आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। चूंकि आप लोगों का एमपीपीएससी प्रीलिम्स नज़दीक है, तो हम कुछ नया कर रहे हैं। हम 2500 से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाले हैं। कल का दिन पुराना अकेडमी के नाम कर दीजिए। इसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर जो हैं वो पीएससी की क्लास जो है कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम एमसीक्यू कंडक्ट करेंगे। अब जैसे एमपी जीके को अमित सर करेंगे, है ना, जनरल साइंस को प्रमोद सर करेंगे, मैं हिस्ट्री को करूंगा, रूप सर जो है एनवायरनमेंट को करेंगे, शुभम सर जो है ज्योग्राफी को करेंगे। ऐसे तमाम टीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे अनअकैडमी पर जो ये क्लासेस करेंगे। ये क्लासेस कब रहेगी? तो बेसिकली 10 और 11 जुलाई को ये क्लास जो है रहेगी। मेरी क्लास जो आपको मिलेगी 3:30 बजे डेली मिलेगी, है ना। 3:30 PM पर मेरी क्लास आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब ये विजय पथ हम चालू कर रहे हैं 10 और 11 जुलाई को, जिसमें ये सारे टीचर्स रहेंगे, हम सारे टीचर्स रहेंगे। आप लोगों के लिए कुछ धमाकेदार लेके आ रहे हैं, तो कोई भी क्लास मिस मत करना। कल और परसों का दिन पूरा अनअकैडमी के लिए आप निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अनअकैडमी के अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए और आप चाहते हैं कम दाम में हो, तो इसके लिए टेस्ट दीजिए, है ना। अनअकैडमी पर 11 तारीख को, 18 तारीख को और 23 तारीख को एक टेस्ट होगा, जो सुबह 10 बजे से चालू होगा, है ना। अगर इसमें आप टॉप 3 रैंक में आते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप 4 से 100 तक आते हैं तो आपको 25% जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। फिर अनअकैडमी पर फ्री क्लास में आपको क्या मिलेगा? तो 20 क्वेश्चन, 20 मिनट का समय, डेली 8 बजे ये क्लास होती है ना, जिसमें 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने रहते हैं। इससे आपकी तैयारी को अच्छी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन बताया जाता है कि किसका क्या क्यों आंसर है, ठीक है। फिर एमपी जीके की अगर आपको तैयारी और अच्छी करनी है, तो कल 10 तारीख को, 17 तारीख को और 31 तारीख को मैं लेके आऊँगा एमपी जीके ब्रह्मास्त्र, जिसमें 30 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने रहेंगे। कितने? 30 क्वेश्चन 30 मिनट में। हाई लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं ये, जिनका एनालिसिस फिर मैं करूँगा 8:30 बजे। आप आधे घंटे पेपर देंगे, उसके बाद फिर एनालिसिस करेंगे किसका क्यों कैसे आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट फिर बात करें तो ये जुलाई जून में कुछ बैचेस हैं जो चालू हुए हैं अनअकैडमी पर, ये कुछ बैचेस हैं जो जुलाई में चालू होंगे, तो आप लोग एक बार इस बैचेस को देख लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर आपको इस तरह के प्राइसिंग मिलेगी कि 1 साल का 8,800 का है, 2 साल का 12,800 का है। इसमें भी यहां पर कोड लगाने की जगह है, यहां पर जैसे ही आप ये कोड डालेंगे आइंस्टाइन, आपको सीधे सीधे 10% का ऑफ मिल जाएगा। देन कितने का है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता ही दी है, आगे बढ़ जाते हैं इससे। हाँ, आप प्लस पर आओगे तो आपको क्या मिलेगा? ये मेरे द्वारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए गए हैं, इतने सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी एमपी जीके चल रहा है, मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज चल रहा है, जिसमें एमपी की हिस्ट्री अभी चल रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है प्लस पर देखने को मिल जाएगी। अभी क्लास है 6:30 वाली, हम देख रहे हैं जो, है ना। चलो, ये मैं हूँ, है ना, एमपीपीएससी मेंस, एसएससी मेंस और SBI PO मेंस जैसी एग्जाम जो है वो मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव प्रथम का मकबरा जो है, या मकबरा नहीं कहना चाहिए, समाधि जो है वो किस जगह पर स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज टॉम्ब ऑफ पेशवा बाजीराव प्रथम फर्स्ट लोकेटेड? होशंगाबाद जिले में, मंदसौर जिले में, खरगोन जिले में या झाबुआ जिले में? पेशवा बाजीराव का मकबरा आपको या समाधि जो है वो कहाँ देखने को मिल जाएगी? फटाफट से आंसर करिए कमेंट में, मैं देख रहा हूँ।
इन्हीं को आप रणवीर सिंह के नाम से जानते हैं, है ना। आपने देखा होगा मूवी में बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह ने किरदार निभाया है पेशवा बाजीराव का। बाजीराव को ही हम बाजीराव बल्लाड़ के नाम से जानते हैं। चलिए, होशंगाबाद, मंदसौर, खरगोन या झाबुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है अभी तक आप सभी का। बिल्कुल सही, गजब का आंसर आ रहा है, एक भी कोई नहीं है जिसने गलत किया हो। चलिए, बिल्कुल सही, खरगोन जो है सही जवाब है। खरगोन के रावरखेड़ी नामक जगह पर, खरगोन में एक जगह है रावरखेड़ी नाम की, उस रावरखेड़ी में ही आपको क्या देखने को मिल जाएगी, समाधि मिल जाएगी पेशवा बाजीराव की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है पहले भी 2017-18 में व्यापम के द्वारा, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। अब एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है कि पेशवा बाजीराव की डेथ जो है वो किस साल में हुई, किस वर्ष जो है मृत्यु हुई थी पेशवा बाजीराव की, बताओ भाई। नर्मदा नदी के तट पर तेज बुखार आने से, तेज ज्वर आने की वजह से जो है डेथ हो गई थी किसकी, पेशवा बाजीराव की। पर बताना यह है कि भाई किस वर्ष इनकी डेथ हुई थी, किस वर्ष इनकी डेथ हुई थी पेशवा बाजीराव की, किसी को याद है क्या, फटाफट से बताएंगे। नहीं पता, ईयर नहीं पता, चलो लिख लो, तारीख लिख लीजिए 28 अप्रैल, 28 अप्रैल सन 1740 को, 28 अप्रैल सन 1740 को पेशवा बाजीराव साहब का निधन हो गया था। कहाँ हुआ था, रावरखेड़ी में। रावरखेड़ी कहाँ आता है, खरगोन जिले में, है ना। इन्होंने राजपाट जो संभाला 1720 से लेकर 1740 तक इन्होंने राजपाट संभाला। अपने 39 वर्ष के जीवन में कभी भी युद्ध ना हारने वाले राजा हैं, है ना, कभी भी युद्ध ना हारने वाले राजा कहलाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी युद्ध नहीं हारे। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो, यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह जो है वो कब हुआ था, व्हेन डिड घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह हैपन इन मध्य प्रदेश। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अनेक बार पूछा गया, व्यापम का फेवरेट, 1920, 1935, 1930 या 1940, बताइए भैया। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह जो है किस वर्ष हुआ था, कुछ कह रहे हैं 1935, कुछ कह रहे हैं 1930। चलिए, सेकंड का बी 1935, बी सी, बी सी, बी सी में कंफ्यूजन है, आंसर क्या है, सी 1930, 1930 में हुआ था घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। घोड़ा डोंगरी कहां पर आता है, किस जिले में आता है, ये आपको याद रखना है, बैतूल जिले में आता है घोड़ा डोंगरी। कहां पर आता है, बैतूल जिले में आता है घोड़ा डोंगरी, सारणी के पास में एक जगह है जिसे हम घोड़ा डोंगरी के नाम से जानते हैं, घना जंगल वाला इलाका है, घना जंगल वाला इलाका है, है ना। अब आपको ये बताना है कि ये घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह जो है किसके नेतृत्व में किया गया था, आपसे पूछा जाएगा इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले उस महान व्यक्ति का नाम बताइए। एक आंसर आ गया गंजन सिंह, और को और कोई भैया, लाइक करते चलो, लाइक, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक करते चले। बिल्कुल सही, नाम क्या था, गंजन सिंह कोरकू, किसी किसी किताब में आपको गुंजन सिंह कोरकू देखने को मिलेगा, है ना। कोरकू जनजाति को बिलोंग करते थे गंजन सिंह कोरकू, बेहतरीन व्यक्ति थे, जैसे जो हमारे भगत सिंह है उस टाइप में ही कुछ व्यक्ति हुआ करते थे कोरकू जनजाति के लिए, भगत सिंह से कम नहीं थे गंजन सिंह कोरकू, गजब का दमखम इन्होंने दिखाया। इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी इनकी, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी कि इनकी एक आवाज़ पर अगर इन्होंने एक बार आदेश दे दिया है कि सब मुझे इकट्ठे चाहिए, तो कोरकू जनजाति के सारे लोग वहीं की वहीं इकट्ठे हो जाते थे। गजब की पर्सनैलिटी थी गंजन सिंह कोरकू की, और इन्हें पकड़ना इतना मुश्किल था अंग्रेजों के लिए, जंगल में छुपे हुए थे अंग्रेज, जंगल तो जा नहीं पाते थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है जनजाति के लोग इनको निपटा देते थे। तो गंजन सिंह कोरकू पर 1940 में 500 रुपए का इनाम रखा गया था। अब सोचो 1930 की हम बात कर रहे हैं, 1930 में 500 रुपए का इनाम रखा गया था कि कोई इनको पकड़ के ला दे हमको, अंग्रेजों ने कहा था कोई पकड़ के ला दे भैया इनको, हम तो नहीं जा सकते, ऐसे थे गंजन सिंह कोरकू। तो गंजन सिंह कोरकू ने क्या किया, जंगल सत्याग्रह जो है वो चालू किया था। अब यह सत्याग्रह चालू करने का कारण क्या था, तो कारण ये था कि अंग्रेजों का दखल जो है वो जंगलों की तरफ बढ़ रहा था, है ना, जमीनें जो है छीनी जा रही थी जनजाति की, तो इसी के विरुद्ध, इसी के अगेंस्ट में गंजन सिंह कोरकू हाथ में मशाल लिए और कंधे पर कंबल टांगे जो है उन्होंने एक विद्रोह छेड़ दिया था, एक आंदोलन छोड़ दिया था, जिसे हम जंगल सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। दो जंगल सत्याग्रह अपने को पढ़ने रहते हैं, एक है टूरिया का जंगल सत्याग्रह और एक है घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह। ठीक है, तो
घोड़ा डुंगरी वाला जंगल सत्याग्रह जो है गंजन सिंह कोरकू के द्वारा शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्पल टू यू, विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश से संबंधित नहीं है और उनकी राजधानी है ना, राजधानी जोड़नी है आपको, है ना, इनकी राजधानी के बारे में और राजवंश के बारे में बताना है। ओलीकर वंश की राजधानी दशपुर हुआ करती थी, है ना, इसमें से गलत बताना है आपको, गलत क्या है। ओलीकर वंश की राजधानी दशपुर थी, कलचुरी की त्रिपुरी थी, बुंदेला की ओरछा थी या परमारों की इंदौर थी। चलिए आंसर आने लग गए हैं, आंसर में देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लाइक शेयर करते चलिए, लाइक शेयर करते चलिए, अपने दोस्तों का भी भला करो, उनको भी क्वेश्चन मिले। थर्ड क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बता रहे हैं डी, बिल्कुल सही, परमार वंश, है ना, परमार वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो धार हुआ करती थी। और ये किसने बनाई थी परमार वंश की राजधानी, परसों ही बताया था, परमार वंश की राजधानी को धार किसने बनाया था, धार किसने बनाई थी राजधानी परमार वंश में, याद करो, याद आना चाहिए। जब तक मैं आगे का बताता हूँ, ओलीकर वंश, दशपुर लिखा हुआ है, दशपुर मतलब आज का जो मंदसौर वाला इलाका है उसे ही हम क्या कहते हैं, दशपुर कहते हैं। त्रिपुरी की बात करें तो आज का जबलपुर वाला जो इलाका है वो उसमें ही आता क्या है आपका, त्रिपुरी आता है। ओरछा तो ओरछा ही है। राजा भोज, बैर सिंह, हाँ बिल्कुल सही है ना, जिन्होंने भी बैर सिंह दुती लगाया है। राजधानी धार किसने बनाई थी, तो बैर सिंह दुती ने बनाई थी, किसने बनाई थी, बैर सिंह दुती ने बनवाई थी। और एक अभिलेख लिखवाया था, उदयपुर का अभिलेख लिखवाया था कि जिसकी तलवार में धार होगी, धार नगरी उसी की हो सकती है ना। यह अपन ने पढ़ा हुआ है कि बैर सिंह दुती परमार राजवंश के एक महान राजा, जिनके द्वारा क्या बनाया गया, धार को राजधानी बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कि धार राजधानी जो है परमार वंश में कौन लेके आया था, तो बैर सिंह दुती नाम के एक राजा थे, ये लेके आए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, तलवार की धार पर सिद्ध किया कि धारा नगरी किसकी है, ये वहां पर लिखा हुआ है उदयपुर में अभिलेख पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब परमारों की उत्पत्ति कहां से हुई है ये भी बता दो। हाँ, उदयपुर प्रशस्ति, बिल्कुल सही। परमारों की उत्पत्ति कहां से हुई है ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है, परसों भी बताया था यूट्यूब के सेशन पर ही। बताओ बताओ, इंतजार कर रहा हूं मैं। हाँ लगाओ, देखो हर चीज यही यही समझ लो, तो क्वेश्चन कैसा भी आए अपन बना पाएंगे। हाँ, परमार की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई थी, तो ये बताया गया है कि भाई एक हवन चल रहा था, एक यज्ञ चल रहा था, उसमें से परमार जो है निकले थे, अग्निवंशी कहलाते हैं। आपसे पूछा जाएगा इनमें से अग्निवंशी कौन है, चंद्रवंशी कौन है, सूर्यवंशी कौन है, तो याद रखना परमार जो है वो क्या कहलाते हैं, अग्निवंशी कहलाते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति बताया जाता है अग्नि से हुई थी, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, बेहतरीन, सब कुछ याद है, मतलब बहुत ही अच्छे। चलो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह जो है वो किस वर्ष हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ, 1925 में, 32 में, 30 में या 35 में, बताओ भाई नमक सत्याग्रह कब हुआ। फोर्थ का अनंत जी कह रहे हैं सी, अदिति जी कह रही है बी, ऋषिता जी कह रही है सी, ठीक है ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मदन जी कह रहे हैं बी, दीपिका जी कह रही है सी सी, नीता जी कह रही है सी, पाठक जी कह रही है सी, गायत्री जी कह रही है 1930, बहुत बढ़िया, नहीं पता सर, चलो बताते हैं, है ना। देखिए 1930 में हुआ था नमक सत्याग्रह, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह किया, गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह किया कहाँ पर, गुजरात में, उसी टाइम पर जो है सत्याग्रह की शुरुआत जो है भारत के बाकी प्रदेशों में, बाकी शहरों में जो है शुरू हो गई, है ना। तो 1930 में नमक सत्याग्रह मध्य प्रदेश में भी शुरू होता है, और मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह किस तारीख को शुरू होता है, तो ये तारीख याद रखना, सीधे सीधे पूछ लेते हैं, 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में दो तरीके से हमें पढ़ना है, एक पढ़ना है एक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी नमक सत्याग्रह की सिवनी में, और एक की शुरुआत हुई थी कहाँ पर, जबलपुर में, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा जबलपुर के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, और सिवनी के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो जबलपुर का अगर पूछ ले तो याद रखेंगे सेठ गोविंद दास, नाम क्या है, सेठ गोविंद दास ने नेतृत्व किया था, और गोविंद दास के साथ में ही एक और व्यक्ति कौन थे, तो पंडित जी थे दुर्गा शंकर मेहता, ठीक है, दुर्गा शंकर मेहता, ठीक है।
ये दोनों लोग जो है ना, नहीं दुर्गा शंकर नहीं, द्वारिका प्रसाद मिश्र, द्वारिका प्रसाद मिश्र होना चाहिए ना, इसको द्वारिका प्रसाद मिश्र कर लेना, जिनको आप डीपी मिश्रा के नाम से जानते हो, है ना, द्वारिका प्रसाद मिश्र, इनके द्वारा जो है जबलपुर में किया गया था, ठीक है। और सिवनी में किसके द्वारा किया गया था, तो दुर्गा शंकर मेहता द्वारा किया गया था, ठीक है, दुर्गा शंकर मेहता द्वारा सिवनी में किया गया। और गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा कहां पर किया गया था, जबलपुर में किया गया था, नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपसे पूछा जाएगा। देखो इसे तीन चार क्वेश्चन बनते हैं, पहला तो यही कि नमक सत्याग्रह कब हुआ, तो 1930 में हुआ, नमक सत्याग्रह कहां पर हुआ, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें ढूंढना जबलपुर है, सिवनी है कि नहीं है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जबलपुर में किस तारीख को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, फिर आपसे पूछा जाएगा जबलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र। फिर आपसे पूछा जाएगा सिवनी से इसका नेतृत्व किसने किया, तो दुर्गा शंकर मेहता ने किया। यही चार पांच क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, इनको विशेष विशेष तौर पर ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह बेहतरीन क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में इंदौर की सेना का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था, हु लेड द आर्मी ऑफ इंदौर इन रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति में किसने जो है नेतृत्व किया था। लाइक करते चलो भैया, जो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक बटन दबाते जाइए, शेयर करते जाइए। सुरेंद्र साय, शहादत खान, देवी सिंह या नारायण सिंह, बेहतरीन क्वेश्चन। शहादत खान और भागीरथ प्रसाद, ठीक है, आंसर क्या है, बिल्कुल सही, शहादत खान। अब देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ शहादत खान की यहीं पर याद हो जाएगी आपको, है ना। शहादत खान की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात, शहादत खान ने हमला कब किया था, तो इन्होंने हमला किया था 1 जुलाई 1857 को, 1 जुलाई 1857 को, जो आज का रेसिडेंसी एरिया है ना, रेसिडेंसी कोठी जिसको कहते हैं इंदौर में, है ना, इस रेसिडेंसी एरिया में अंग्रेज रहा करते थे, तो यहाँ पर हमला कर दिया शहादत खान ने। अब शहादत खान बंदा कौन था, तो होलकरों की सेना में घुड़सवार सेना जो होती है ना, कैवलरी जिसको हम कहते हैं, घुड़सवार सेना जो रहती है उसका एक सिपाही था। किसका था, कैवलरी मैन था, घुड़सवार सेना का एक सिपाही हुआ करता था, कैवलरी आर्मी, ठीक है। अब इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, है ना, हाँ महू के थे, बिल्कुल महू से इंदौर आए थे। अब हुआ क्या था वो चीज समझ लीजिए, हुआ क्या था, एक तोप का जिक्र किया जाता है, है ना, आपसे पूछा जाएगा कौन सी तोप जो है वो चलाई थी शहादत खान ने, शहादत खान ने तोप से फायरिंग कर दी थी। 1857 की क्रांति जब बड़ी आगे बढ़ी तो महू से नेतृत्व किया शहादत खान ने, और शहादत खान कहाँ आ गए, इंदौर आ गए। इंदौर में 1 जुलाई 1857 को अपने दोस्तों के साथ में, अपने यारों के साथ में हमला कर दिया रेसिडेंसी वाले क्षेत्र पर, हमला किया तो जीपीओ पर, है ना, जीपीओ आपने देखा होगा इंदौर का एक चौराहा है, जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस चौराहा, यहाँ पर एक तोप रखी हुई थी, है ना, उस तोप का नाम था फतेह मंसूर। क्या नाम था, फतेह मंसूर, ठीक है। ये फतेह मंसूर तोप लेके, है ना, तोप लेकर कहाँ पहुँच गए, रेसिडेंसी वाले क्षेत्र में पहुँच गए जहाँ पर अंग्रेज रहते थे, और बढ़िया तोप दाग दी, है ना, अच्छे खासे भयंकर निपटा दिया अंग्रेज इन्होंने, और ऐसे निपटाए, ये 3 घंटे का युद्ध ऐसा चला, अंग्रेज थर थर कांपने लग गए, इतने ज्यादा कांपने लग गए अंग्रेज, सारे लोग खाली करके वहां से चले गए, और रेसिडेंसी कोठी को किसने जीत लिया, तो जीत लिया शहादत खान ने। लेकिन इसी टाइम पर छल पूर्वक क्या किया, बहादुर शाह जफर को दिल्ली में अरेस्ट कर लिया गया। अब जब दिल्ली में अरेस्ट कर लिया गया तो 1857 की क्रांति थोड़ी सी ठंडी पड़ गई। अब जब ठंडी पड़ गई तो ये लोग आगे बढ़े कि हम दिल्ली साइड जाएंगे, और जब दिल्ली साइड जाने लग जाते हैं शहादत खान, तो बीच में ही जो है इनके लिए सेना खड़ी रहती है अंग्रेजों की। फिर इन्हें क्या करना पड़ता है, इधर उधर भागना पड़ता है। जब इधर उधर ये भागते हैं तो ये छुप जाते हैं, कौन, शहादत खान। और शहादत खान पहले तो उज्जैन आते हैं, उज्जैन में कुछ समय जो है निकाल देते हैं, 2-3 साल अपने जीवन के निकाल देते हैं। उसके बाद अंग्रेज पकड़ने के लिए ढूंढ रहे इन्हें, पर ये मिलते ही नहीं है। इन पर इनाम रख दिया गया था 5,000 रुपये का, पर फिर भी शहादत खान नहीं मिल रहे हैं। शहादत खान कहाँ चले गए, तो शहादत खान चले गए राजस्थान, है ना, राजस्थान में चले गए। और जो हमेशा से इतिहास रहा है कि अपने वाले ने किसी ने धोखा दिया है, तो आम जनता में से ही किसी एक व्यक्ति ने क्या करा, बता दिया कि शहादत खान कहाँ छुपे हुए हैं, और बस फिर क्या था, अंग्रेजों ने शहादत खान को पकड़ लिया और इन पर मुकदमा चलाया गया। और जब मुकदमा चलाया गया तो इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। अब जो ये फांसी की सजा सुनाई, ये कब सुनाई गई, या इन्हें फांसी कब हुई, बस ये बता दो, शहादत खान को फांसी किस वर्ष हुई। हाँ बिल्कुल सही, 29 अंग्रेजों को मार दिया था तोप के गोले ने, बिल्कुल सही। बताइए इनको जो है, इनको फांसी कब दी गई,
इनको फांसी की डेट कब मुकर्रर करी गई थी, कब फांसी हुई या कब ये शहीद हुए, किसी को पता है क्या? डेट नहीं पता तो साल बता दो, साल ही बता दो कौन से वर्ष जो है फांसी की सजा सुनाई गई। इंतजार कर रहा हूं मैं आंसर का, आज तबीयत से डीप में पड़ेंगे। और लाइक दबाते चलो भैया, है ना, लाइक में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बताओ बताओ, 1858, 1861। अरे छोटा मोटा बंदा नहीं है सादत खान, महान व्यक्तियों में से एक है, महान व्यक्तियों में से एक बंदा है। 1858 लिख लीजिएगा, फांसी कब मिली है? 1 अक्टूबर 1874 को, है ना। 57 में बम फेंका था, 57 में तोप चलाई थी, और फांसी कब मिली? 74 में। अंग्रेजों को है ना परेशान करके रख दिया था, बहुत बड़ा नाम है सादत खान का। 1 अक्टूबर 1874 को फाइनली फांसी की सजा सुनाई गई। किसको फांसी हुई? किसको? सादत खान को। इम्पोर्टेंट है, विशेष तौर पर इम्पोर्टेंट है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, सादत खान जो है घुड़सवार सेना में हुआ करते थे, होलकरों की, महू में हुआ करते थे, महू से आए इंदौर, इंदौर के रेसिडेंसी वाले एरिया में अंग्रेज बैठे हैं, दनादन 1 जुलाई 1857 को फतेह मंसूर नाम की तोप से उड़ा दिया 29 अंग्रेजों को, कब्जा कर लिया था। लेकिन फाइनली अंग्रेज इन पर हावी हो गए, छुपे वहां से, भागे वहां से, निकल गए, और कितने सालों तक अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आए, और फाइनली किसी की गद्दारी के कारण जो है पकड़ा जाते हैं सादत खान, और इन्हें जो है फांसी की सजा सुना दी जाती है 1 अक्टूबर 1874 को। और ये 1 अक्टूबर 1874 को जो फांसी की सजा सुनाई जाती है, वो फांसी कहाँ पर दी जाती है तो याद रखना, इम्पोर्टेंट है। इंदौर का जो MTH कंपाउंड आप देखते हैं, वहाँ पर इनको फांसी दे दी गई थी। MTH कंपाउंड में भी कहाँ पर जो फांसी दी गई, याद रखेंगे, बरगद का पेड़। पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बरगद का पेड़ में अंग्रेजों की आदत थी, पेड़ों पर फांसी देते थे। तात्या टोपे की याद कर लो, है ना, सादत खान को याद कर लो, बख्तावर सिंह को याद कर लो, सभी को जो है फांसी कहाँ पर दी गई है, पेड़ों पर लटकाया गया है। तो बरगद का पेड़ है, आज भी ये पेड़ जिंदा है। अगर आप MTH कंपाउंड में जाओगे तो आज भी ये पेड़ आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर फांसी दी गई थी किसको? सादत खान को। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फतेह मंसूर तोप, एक क्वेश्चन आएगा फतेह मंसूर क्या है, तो याद रखना तोप है। फिर पूछा जाएगा कि ये फतेह मंसूर तोप जो है आज किस संग्रहालय में रखी हुई है, तो इंदौर के ही संग्रहालय में रखी हुई है, इंदौर के म्यूजियम में तोप रखी हुई है, जाके दीदार कर लीजिएगा, है ना। इसी तोप ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, है ना, इंदौर के म्यूजियम में ही रखी गई तोप है, तो लिख के रख लेना, फतेह मंसूर तोप जो है इंदौर के म्यूजियम में है, और यही चलाई गई थी, यही दागी गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो अपने को इनके बारे में पढ़ना है, इनका एक समाधि स्थल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? इनका एक समाधि स्थल बनाया गया है, और ये समाधि स्थल कहाँ मिलेगा? तो इंदौर का जो नेहरू स्टेडियम है ना, इंदौर का जो नेहरू स्टेडियम है उसके बाहर ही जो है समाधि स्थल आपको देखने को मिल जाएगा इनका, है ना। इंदौर के नेहरू स्टेडियम के बाहर ही इनका समाधि स्थल आपको जो है देखने को मिल जाएगा। एक स्मारक बनाया हुआ है, यहाँ पर एक स्मारक बना हुआ है नेहरू स्टेडियम पर इनके लिए। और बताया जाता है इनकी जो मजार है, इनकी मजार कहाँ पर बनाई गई? तो MPPSC का जो ऑफिस है ना, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिस है, उसी के प्रांगण में, उसी के एरिया में जो है इनकी आपको समाधि मजार देखने को मिल जाएगी। स्मारक कहाँ मिलेगा? नेहरू स्टेडियम के बाहर। और प्रांगण कहाँ, समाधि कहाँ मिलेगी? तो MPPSC का जो बना हुआ है लोक सेवा आयोग का, उसके प्रांगण में जो है इनकी समाधि देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो गई क्या पिक्चर सभी को? पूरी स्टोरी समझ में आ गई एक ही बार में? समझ में आ गई सभी को? ये तो इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया, अभी पढ़ना है ना, अभी अपन पढ़ेंगे जब प्लस पर ये, तब आपको बताया ना, इतिहास में तो अपन धमाकेदार तरीके से पढ़ते हैं, इतिहास छोटा मोटा पढ़ते ही नहीं, बिल्कुल डीप में उतर के पढ़ते हैं। ठीक है, अब नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छी बात। जितने क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बन सकते थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। बेहतरीन व्यक्ति था, बेहतरीन गजब का देशभक्त व्यक्ति था। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छे। चलो भाई लाइक कर दो इसी बात पर, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक अभी 85 ही है ना, फटाफट लाइक वाली बटन पर दबाओ तो कुछ मजा आए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा पड़ा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था? हेलियोडोरस नाम का एक व्यक्ति जो है वो आया था, है ना, और आपको बताना है कि किस वंश के राजा के पास में वो आया था। शुंग वंश के राजा के पास आया था, परमार वंश के राजा के पास, सातवाहन वंश के राजा के पास, या गुप्त वंश के राजा के पास? बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है।
बिल्कुल सही, शुंग वंश, सभी लोग सही दे रहे हैं जवाब। कौन था भैया राजा का नाम भी बता दो, राजा का नाम भी बता दो यार, मुझे नहीं पता। ये बात बेहतरीन, सबको पता है, भागभद्र। ठीक है, भागभद्र नाम के एक राजा हुआ करते थे, उनके पास में आया था हिलियोडोरस, है ना। और इसे भेजा किसने था हिलियोडोरस को, हिलियोडोरस क्या था, राजदूत था, है ना। हिलियोडोरस एक राजदूत हुआ करता था, तो इस हिलियोडोरस को किसने भेजा था, तो याद रखना एंटियलकिस नाम के एक राजा ने भेजा था, है ना। एंटियलकिस नाम के एक राजा ने भेजा था, किसके पास भेज दिया, तो भागभद्र के पास में भेज दिया। कब भेजा, तो सेकंड बीसी में भेज दिया, है ना, दूसरी ईसा पूर्व में भेज दिया, है ना। हाँ, एंटेलकिटिस ने भेजा। ठीक है, अब भेजा तो इनकी बातचीत हुई, भैया हिलियोडोरस साहब की बातचीत हुई राजा भागभद्र से। भागभद्र जो है वैष्णव धर्म का बहुत बड़ा फॉलोअर है। वैष्णव धर्म मतलब अपना विष्णु धर्म, जो विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को मानते हैं, उसे वैष्णव धर्म मानने वाले कहा जाता है। तो ऐसा घुमाया हिलियोडोरस को, जो भागवत धर्म के बारे में बताया, जैसे ही इन्होंने विष्णु धर्म के बारे में, वैष्णव धर्म के बारे में बताया, हिलियोडोरस इतना इंस्पायर हो गया कि हिलियोडोरस ने बोला भैया नहीं, अब तो मैं भी भागवत धर्म अपना रहा हूँ और मैं एक स्तंभ बनवाऊंगा। तो क्या बनवाया इसने, गरुड़ स्तंभ बनवाया, है ना। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताओ भैया गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है, यही क्वेश्चन पूछेगी पीएससी, है ना, बताओ गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है, क्या लगाओगे फिर। हाँ, यही गरुड़ स्तंभ को आने वाली जनरेशन ने, आम जनता ने क्या बोल दिया, खंभ बाबा बोल दिया, है ना। आपसे पूछा जाएगा खंभ बाबा कहाँ पर है, गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है ना। तो याद रखेंगे गरुड़ स्तंभ कहाँ देखने को मिलेगा, विदिशा में देखने को मिलेगा। कैसे याद रखेंगे, विदिशा में, तो विदेश से कोई व्यक्ति आया था, कौन आया था, तो हिलियोडोरस आया था। हिलते डुलते हिलियोडोरस पहुंच गया कहाँ पर, विदिशा में, और विदिशा में किससे मिला, भागभद्र से मिला। भागभद्र से मिला तो उन्होंने क्या किया, भागवत धर्म बताया। जब भागवत धर्म बताया तो क्या बनाया, गरुड़ स्तंभ बनाया। आज जनता क्या कहती है इसे, खंभ बाबा कहती है। ये यही भी यही है, याद हो गया सारा के सारा, है ना। टेंशन ही खत्म, क्वेश्चन अपन ने पूरा चिपक गया अपने दिमाग में, अब कुछ नहीं भूलेंगे। तो इसी बात पर जिनने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक ठोक दो, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उमदा चल रही है आज तो गाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन से गुप्त शासकों के पास मध्य प्रदेश में पूर्वी मालवा से तीन रिकॉर्ड मिले हैं, है ना, तीन अभिलेख मिले हैं इनके, या तीन तरह की चीजें मिली हैं। किस गुप्त शासक के तीन चीजें हमें पूर्वी मालवा से मिलती हैं, है ना, आपको बताना है। समुद्रगुप्त की मिली, चंद्रगुप्त द्वितीय की मिली, रामगुप्त की मिली, या स्कंदगुप्त की मिली। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कनुप्रिया जी स्कंदगुप्त लेके आई। ठीक है, जिनका गलत हो रहा है, रिवीजन की भारी कमी है ना, रिवीजन की कमी हो रही है और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया, आंसर क्या आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम किस नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय वो व्यक्ति है जिसने पहली बार नवरत्न रखे थे, है ना। नवरत्न का उल्लेख जो हमें मिलता है, पहली बार नवरत्न किसने रखे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही रखे थे, है ना। इसके बाद में फिर अकबर के नवरत्न और ये सारे आते हैं, लेकिन सबसे पहले नवरत्न रखने वाला व्यक्ति ही कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और विदिशा से ही हमें इनकी क्या मिलती हैं, चीजें देखने को मिल जाती है ना। विदिशा से हमें इनके चीजें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। हाँ, चंद्रगुप्त के बारे में एक और चीज याद रख लेना दोस्तों, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था, है ना। दो राजधानी हुआ करती थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, जिसमें धार्मिक राजधानी कौन सी थी, तो धार्मिक राजधानी उज्जैन थी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर इनके क्या हुआ करते थे, नवरत्न रहा करते थे, जिसमें कालिदास, भट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी, अमरसिम्हा, वरुचि, घटाकर्पा, शपनका और शंकु, ये सब क्या हुआ करते थे, ये सब इनके नवरत्न हुआ करते थे। हाँ, उज्जैन और पाटलिपुत्र, इनकी क्या हुआ करती थी राजधानी, जिसमें उज्जैन जो है धार्मिक राजधानी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस शासक की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उन्हीं की राजधानी जो है उज्जैन हुआ करती थी। और इनके अभिलेख हमें कहाँ से मिलते हैं, शिलालेख हमें कहाँ से मिलते हैं, तो विदिशा से मिलते हैं, है ना। विदिशा बहुत इंपॉर्टेंट है प्राचीन भारत के इतिहास में, बेहतरीन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल विशेष विशेष तौर पर ध्यान देना इसका। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंजाब मेल नरसंहार में शामिल क्रांतिकारी कौन था, पंजाब मेल हत्याकांड हुआ था, है ना।
एक ट्रेन है जो दिल्ली से बम्बे की तरफ जा रही थी, दिल्ली से बम्बई का सफर तय कर रही थी। वो ट्रेन का नाम था पंजाब मेल। तो आपको बताना है पंजाब मेल हत्याकांड में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, यशवंत राव, दलवंत राव, देव नारायण या सभी। क्वेश्चन 8 का कुछ कह रहे हैं वी, कुछ कह रहे हैं डी। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव, है ना, ऊपर के सभी। अब मैं पूरी कहानी बता देता हूँ। जैसे अभी शहादत खान को अपन ने अमर कर दिया, सारी चीज़ें अपने को याद हो गई, वैसे ही पंजाब में हत्याकांड भी आज ही याद हो जाएगा, कभी बुक ही नहीं खोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो तारीख क्या थी? 23 जुलाई, 24 जुलाई, है ना। 23 जुलाई की रात, 24 जुलाई का दिन, है ना, रात के टाइम की बात है, रात में करीबन 2 बजे 3 बजे की बात है। 23 जुलाई 1931 की यह घटना है जब खंडवा रेलवे स्टेशन से तीन व्यक्ति चढ़ते हैं। एक चढ़ते हैं यशवंत राव साहब, एक चढ़ते हैं दलवंत राव, जिनको ही आप दलपत राव के नाम से भी जानते हो, किसी किसी किताब में दलपत राव लिखा हुआ है ना। और तीसरे व्यक्ति चढ़ते हैं देवनारायण तिवारी जी। ठीक है, ये तीन व्यक्ति चढ़ते हैं ट्रेन में, और ट्रेन के एक डब्बे में अंग्रेज बैठे हुए हैं, जिसमें दो अंग्रेज हैं, साथ में एक कुत्ता बैठा हुआ है। अब ये दोनों अंग्रेज सो रहे हैं, है ना, और ये कुत्ता जो है जाग रहा है। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि ये दलपत राव को खड़ा खड़ा कर दिया जाता है कि भैया तुझे ट्रेन की चेन खींचनी है। क्या खींचनी है? हम जब कहेंगे तू चेन खींच देना, है ना। तो चेन खींचने वाले व्यक्ति कौन हो गए? दलवंत राव हो गए या दलपत राव हो गए। ठीक है, हाँ, हेक्सन मिलेगा आपको यहाँ पर, बिल्कुल सही, हेक्सन आपको यहाँ पर मिलेगा। अब यशवंत राव और देवनारायण तिवारी साहब क्या है, बोगी में घुस गए, डब्बे में घुस जाते हैं और यहाँ पर हमला कर देते हैं, ये जो दो अंग्रेज बैठे हुए हैं इन पर। अब जब ये हमला करते हैं तो इसमें से एक अंग्रेज जो है, जिसका नाम है हेक्सन, ये उड़ जाता है ना, ये जाग जाता है और ये क्या देख लेता है? यशवंत राव का चेहरा और देवनारायण तिवारी का चेहरा देख लेता है। और ये कैसे जाग जाते हैं? तो ये कुत्ता भोंक देता है। जब ये कुत्ता भोंक देता है तो यशवंत राव को समझ में नहीं आती, और यशवंत राव क्या करते हैं? मौत के घाट उतार देते हैं कुत्ते को भी, अंग्रेज को भी, पर इन्हें लगता है कि सब मर गए। लेकिन होता क्या है, ये हेक्सन जो है बच जाता है, और इस हेक्सन ने देख लिया कि भाई हमला करने वाले व्यक्ति का चेहरा कैसा था, है ना। अब जैसे ही ये हमला करते हैं, मारते हैं, और वहां से भागने के लिए सूचित करते हैं दलवंत राव को कि चेन खींच दो, तो चेन खींच देते हैं दलपत राव, और ये लोग ट्रेन जैसे ही रुकती है वैसे ही भाग जाते हैं तीनों के तीनों, कहाँ पर? खंडवा के जंगलों में। अब जब जंगलों में भाग जाते हैं तो इनकी ढूंढाई मचती है, इन्हें ढूंढा जाता है ना। क्यों? क्योंकि हेक्सन जिंदा है, और हेक्सन ने इनका हुलिया बनवा दिया कि ये कैसे दिखते थे, क्या सारी चीजें थी। अब जब इनको ढूंढा जाता है, और ढूंढ के फिर क्या होगा? फिर इन्हें फांसी दे दी जाती है। अब इन्हें फांसी दे दी जाती है, और इसमें से आपसे पूछा जाएगा किसको फांसी हुई किसको नहीं हुई, तो क्या सभी को फांसी होगी? तो जवाब है नहीं, फांसी किसको हुई? हत्या करने वाले को। तो यशवंत राव, जो कि कहाँ के थे? दमोह के व्यक्ति थे, है ना। आपसे पूछा जाएगा अभी यशवंत राव कहाँ से थे, तो दमोह के व्यक्ति थे। यशवंत राव और देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा दे दी गई, और ये जो दलपत राव थे इन्हें क्या दे दिया गया? काला पानी की सजा दे दी गई। ठीक है, इन्हें काला पानी की सजा दे दी गई। ठीक है, जहां पर सावरकर साहब को भेजा था वहीं पर इनको भेज दिया। दमों में इनकी मूर्ति का इनॉग्रेशन हुआ था अभी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल आ सकता है ना। अब आपको अगर पूरी स्टोरी समझ में आ गई, पूरी कहानी समझ में आ गई, तो फटाफट लाइक के बटन को जोर से दबा दो तो एक बार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो तो उनको भी पता लगे, उनके साथ भी कुछ नया हो, कुछ अच्छा उनको सीखने को मिले। ठीक है, अब 11 दिसंबर, हाँ एक चीज़ बताना तो भूल ही गया मैं आपको, 11 दिसंबर 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। कब? 11 दिसंबर 1931 को इन दोनों को फांसी दे दी गई। किसको? यशवंत राव, दमोह के यशवंत राव को, और देवनारायण तिवारी, खंडवा के देवनारायण तिवारी को, दोनों को फांसी की सजा सुना दी गई। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख के रखना, है ना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा विशेष विशेष तौर पर देख के रखिएगा। चलिए, फांसी जबलपुर में हुई क्या? नहीं नहीं फांसी खंडवा में ही हुई, फांसी खंडवा में ही हुई। नहीं नहीं दो बार दबा के अनलाइक मत करना, जिन्होंने नहीं दबाया है वही लगाना। सर का पढ़ाने का अंदाज ही निराला है। थैंक यू विंध्या जी, आपको अच्छा लगा तो। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, पर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चालकोलिथिक साइट कायत जो है, निम्नलिखित में से किसके करीब है? किस जगह के करीब पाई जाती है एक साइट जिसको आप जानते हो कायत के नाम से? इंदौर, विदिशा, रीवा या उज्जैन? शायद ही कोई व्यापम की ऐसी एग्जाम हुई हो जहां पर यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। चलिए बेहतरीन जवाब, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है। अब यही क्वेश्चन में थोड़ा सा नमक मसाला डाल दिया जाए, है ना। अब ये बता दो कि कौन सी तहसील में आती है ये, है ना। आंसर तो सबने सही दिया, उज्जैन। उज्जैन की कौन सी तहसील में आपको कायथ देखने को मिल जाएगी?
उज्जैन के उस तहसील का नाम बताइए जहां पर कायत साइट आपको देखने को मिल जाएगी, कायत स्थल देखने को मिल जाएगा। हाँ, वराहमिहिर की जन्मभूमि, बिल्कुल सही, क्या बात है। नागदा, नहीं, नागदा नहीं है, धर्मस्थली वराहमिहिर की, बिल्कुल सही। तहसील याद रखेंगे, तहसील कौन सी है, तराना, है ना। उज्जैन और इंदौर के बीच में एक छोटा सा गांव आता है जिसे हम तराना के नाम से जानते हैं, तो तराना तहसील में ही आपको कायत साइट, कायत स्थल देखने को मिलता है, जो प्राचीन भारत के इतिहास से अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन बना है। अब देखो पीएससी भी लेवल बढ़ाएगी, सालों बाद एग्जाम हो रही है तो पीएससी लेवल बढ़ाएगी, कॉम्पिटिशन भी तगड़ा हो गया है, तो उज्जैन के आगे तराना भी लिख लेना कि भाई तराना तहसील थी, अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ का विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखना। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने पहली बार मध्य प्रदेश के मालवा पर आक्रमण कर दिया था। मालवा के, मध्य प्रदेश के मालवा पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा कौन था, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी। बड़ा ही लड्डू सा क्वेश्चन है, बड़ा ही लड्डू सा क्वेश्चन है, लगाओ भाई दनातन। स्वाति जी, एमपी जीके में गलती हो रही है बहुत ज्यादा, क्या बात है। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का तो ऑप्शन ही नहीं दिया भैया। मोहम्मद गजनवी, गजनवी दिल्ली सल्तनत का राजा था क्या, गजनवी दिल्ली सल्तनत का राजा था क्या कि गौरी था, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सही, जिनका भी आंसर आ रहा है अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही जवाब है आपका, जिनका भी आंसर अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अलाउद्दीन खिलजी ही वो दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसने हमला किया था किस पर, मालवा साम्राज्य पर। कब किया था, 1302 से लेकर 1305 तक इसके हमले जारी रहे थे, जिसमें मालवा पर जो हमला किया गया था वो 1305 में किया गया था। कब किया गया था, 1305 में जो है किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी के जो सिपाही सलाहकार हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था, उसने क्या किया था, तो परमार वंश का एक राजा हुआ करते थे, परमार वंश के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महाकाल देव। क्या नाम था, महाकाल देव। महाकाल देव की हत्या कर दी थी और मालवा सूबा पूरा की पूरा किसमें मिला लिया था, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मिला लिया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। महाकाल देव को हरा दिया था, मार दिया था, किसके द्वारा, तो दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के एक सिपाही सलाहकार सेनापति के द्वारा जो है हरा दिया गया था, जिसका ऐनुल मुल्क नाम हुआ करता था। और महाकाल देव को हराने के बाद ये मालवा का पूरा सूबा जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आ गया, ठीक है। हाँ, नाम याद रख लेना, कौन व्यक्ति था वो, सेनापति कौन था खिलजी का, तो नाम याद रख लेना, लिख लो ऐनुल मुल्क, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई धार में जो सरस्वती मंदिर जो है उसकी मूर्ति तोड़ने का, मूर्ति किसके द्वारा तोड़ी गई, तो भी याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने ही। वागेही देवी की जो मूर्ति है वो किसने तोड़ी थी, ये वागेही देवी की मूर्ति तोड़ने वाला भी यही था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही वागेही देवी की मूर्ति को जो है तोड़ा गया था, ठीक है, खंडित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखना। यह इतना क्रूर था अलाउद्दीन खिलजी, इतना क्रूर था, या इसकी सेना इतनी ज्यादा क्रूर थी कि यहां पर उस टाइम पर 1200 पंडित जो है, है ना, 1200 पंडित बैठ के अनुष्ठान कर रहे थे संस्कृत विद्यालय में, जो कि राजा भोज के द्वारा स्थापित किया गया था। अब अलाउद्दीन खिलजी का ये जो सेनापति है ऐनुल मुल्क, ये कहता है कि सभी लोग इस्लाम धर्म को अपना लो, नहीं तो मैं सबको मौत के घाट उतार दूंगा। पर जो धर्म है वो धर्म को फॉलो करेंगे, वो क्यों जाएंगे। तो ये 1200 पंडितों को बताया जाता है कि एक ही दिन में मार दिया गया, किसके द्वारा, ऐनुल मुल्क के द्वारा, है ना, वागेही देवी मंदिर को खंडित कर दिया गया। और ये वागेही देवी की मूर्ति आज कहाँ पर है ये और बता दो, बस ये वागेही देवी की मूर्ति जो है वो कहाँ पर है वो बता दो। अच्छा, आ भी गया आंसर, हाँ, वागेही देवी की मूर्ति जो है वो कहाँ चली गई, लंदन के म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, लंदन के एक संग्रहालय में ये मूर्ति वागेही देवी की रखी है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, महान राजा भोज के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। तो ये अपन ने सारी चीज़ें देख ली किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, सारी चीज़ें देख ली किसके बारे में, मालवा साम्राज्य के बारे में। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखना। आज कितने क्वेश्चन कवर करेंगे, आज 20 ही कर पाएंगे यार, क्योंकि डीप में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, इतिहास है, समय तो लेता है ना, इतना बड़ा इतिहास है। चलिए भैया, जितने क्लास में बैठे हैं सभी लोग लाइक करते जाइए यार, लाइक बड़े कम आ रहे हैं, क्या बात है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें जो आप उठा रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब हुआ, When did the Bundela Rebellion erupt in Madhya Pradesh? मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब हुआ, किस वर्ष हुआ, वो आपको बताना है।
धार गौशाला वाला यही है ना? हाँ बिल्कुल यही है, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल यही है। नमस्कार नमस्कार। 1842 बी कह रहे हैं, 1840, 1842, 1843 या 1850। बिल्कुल सही, जिनका भी आंसर है 1842, बिल्कुल सही खेल रहे हैं आप। 1 लाख का प्रश्न था, आपने सही जवाब दिया है। देखिए बुंदेला विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, तो दो नाम याद रखेंगे। एक नाम है जवाहर सिंह बुंदेला, क्या नाम है बंदे का? जवाहर सिंह बुंदेला। और एक व्यक्ति का नाम क्या है? मधुकर शाह। जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर शाह ने एक विद्रोह छेड़ दिया था, है ना? क्यों विद्रोह छेड़ दिया था? क्योंकि इनको इनकी रियासत से, इनको इनके एरिया से ही हटा दिया गया था, और बंदे जो थे दोनों जनता के, प्रजा के चहेते थे, है ना? तो जैसे ही इन्होंने विद्रोह जो है शुरू किया, सारी जनता प्रजा इनके साथ में हो गई और ये विद्रोह की शुरुआत होती है। अब आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि बताइए जवाहर सिंह बुंदेला का ने कहाँ से नेतृत्व किया? तो याद रखना इनके द्वारा नेतृत्व किया गया कहाँ से? चंद्रपुर से, है ना? चंद्रपुर से लड़ रहे थे कौन? जवाहर सिंह बुंदेला। कहाँ से? चंद्रपुर से। और अगर हम बात करें मधुकर शाह की, तो मधुकर शाह कहाँ से लड़ रहे थे? नरहट नाम की जगह से, है ना? नरहट नाम की जगह से कौन लड़ रहे थे? मधुकर शाह लड़ रहे थे। और चंद्रपुर से कौन लड़ रहे थे? तो चंद्रपुर से लड़ रहे थे जवाहर सिंह बुंदेला। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, चलो यहाँ पर अपन ने सारी चीजें देख ली। हाँ क्षेत्र क्या था? तो सागर नर्मदा वाला क्षेत्र जो है ना, नर्मदा माई और सागर, है ना, इन दोनों के बीच के क्षेत्र पर ये विद्रोह जो है हुआ था। अच्छा ठीक है, मैं अब उल्टे साइड पर लिख दूंगा, याद रहेगा मुझे। हाँ भैया, मध्य प्रदेश के किस शहर को प्राचीन काल में वत्स के रूप में जाना जाता था, है ना? वत्स किसे कहा गया है प्राचीन काल में, फटाफट से बता दो। मध्य प्रदेश के किस शहर को वत्स कहा गया है? विदिशा को, उज्जैन को, खजुराहो को या ग्वालियर को? दो नंबर आपके पक्के करा देगा ये क्वेश्चन। पीडीएम करेंगे 1 लाख? मैं नहीं करूंगा यार, पीएससी करेगी, पेपर निकल जाएगा। तो आंसर आ रहा है, किसी का कहना है ग्वालियर, किसी का कहना है विदिशा, खजुराहो, किसी का कहना है विदिशा। ग्वालियर, ज्योत्सना जी कह रही है खजुराहो, ठीक है, विदिशा गोस्वामी जी कह रहे हैं। चलिए आंसर क्या है? आंसर विदिशा नहीं है, आंसर क्या है? ग्वालियर। वत्स कहां पे आएगा? तो ग्वालियर का ही पुराना नाम है। देखो दो नंबर पक्के हो जाएंगे। दो नंबर कैसे पक्के होंगे? जब अपन मध्य प्रदेश के शहरों के पुराने नाम याद करेंगे, है ना? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराने नाम आपको याद होने चाहिए, तभी काम बनेगा। पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है, है ना? अब मैं क्या करूंगा, तो पुराने नाम की पूरी लिस्ट आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से मध्य प्रदेश के शहरों के पुराने नाम सबके पढ़ लेना, है ना? विदिशा को बेसनगर, उज्जैन को अवंती, है ना, ऐसे सारे नाम, भाई अनूप किसको कहते हैं, माहेशमती किसको कहा गया है, इंदूर किसको कहा गया है, ये सारे आपको पता होने चाहिए, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? चलिए, हाँ विदिशा को बेलसा भी कहते हैं, बेसनगर भी कहते हैं, बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ग्वालियर के शासक कौन हुआ करते थे? हु वॉज द रूलर ऑफ ग्वालियर एट द रिवोल्ट ऑफ 1857? जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ग्वालियर के शासक कौन थे? जनकोजी सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, जयाजी राव सिंधिया या जीवाजी राव सिंधिया? पंकज जी कह रहे हैं जनकोजी, ऋषिता जी कह रही है जयाजी, हर्षा जी कह रहे हैं दौलतराव, उदय जी कह रहे हैं जीवाजी। चारों ऑप्शन आ चुके हैं अपने पास, बेसनगर और वत्स में कंफ्यूज हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जयाजी राव, जयाजी, बिल्कुल सही। कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? तो आंसर पहले तो देखो आंसर क्या है, जयाजी राव सिंधिया। जयाजी राव सिंधिया ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में, ग्वालियर के शासक थे और जिन्होंने अंग्रेजों की मदद करी थी, है ना? अब याद कैसे रखें, तो अपनी जय कराने के लिए, कैसे याद रखोगे? अपनी जय कराने के लिए अंग्रेजों से साथ मिला लिया। क्यों? क्योंकि अगर अंग्रेजों से साथ नहीं मिलाते तो ये डर था जो लक्ष्मीबाई का हाल हुआ, ऐसा कोई अंग्रेज हमारे साथ ना कर दे, हमें भी शहीद ना होना पड़ जाए। तो इसी के लिए क्या हुआ, जयाजी राव सिंधिया ने हाथ मिला लिया किससे? अंग्रेजों से।
और भी कई समस्याएं रही होंगी, हम तो उस टाइम थे नहीं, पर अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था किसने, जयाजी राव सिंधिया ने। और जब जयाजी राव सिंधिया ने हाथ मिलाया तो क्या हुआ, लक्ष्मीबाई के लिए मुश्किल आन पड़ी, है ना। लक्ष्मीबाई को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट ना मिलते हुए मुश्किल आन पड़ी रानी लक्ष्मीबाई के लिए, और युद्ध लड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखना कि भाई अपनी जय कराने के लिए, कैसे याद रखेंगे, अपनी जय कराने के लिए अंग्रेजों से साथ में हाथ मिला बैठे थे कौन, जयाजी राव सिंधिया। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 1857 की क्रांति में जो राजवंश है उनमें से किस राजवंश ने अंग्रेजों का साथ दिया। अगर आपको ऑप्शन आ जाता है होलकर साम्राज्य, एक आ गया मान लो होलकर, एक आ गया गोंडवाना, एक आ गया बुंदेलखंड, और एक आ गया, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ना, ए बी सी हो गया बुंदेलखंड और डी हो गया बघेलखंड। बताओ किस राजवंश ने अंग्रेजों का साथ दिया, बताओ भाई। अपन ने सिंधिया वाली तो बात ही खत्म कर दी अब, है ना, सिंधिया वाला चैप्टर तो समझ में आ गया। लेकिन अगर इसके अलावा ऑप्शन आता है कि 1857 की क्रांति में सिंधिया के अलावा कौन सा राजवंश था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया, होलकर राजवंश, गोंडवाना राजवंश, बघेलखंड राजवंश या बुंदेलखंड राजवंश, क्या लगाओगे? होलकर, बघेलखंड, होलकर। अरे होलकर कैसे होगा यार, होलकर में तो अभी तोप चला दी थी सादत खान ने। सादत खान किसका आदमी था, होलकरों का ही तो आदमी था। हाँ, आंसर क्या है, बघेलखंड। याद रखना बघेलखंड राजवंश के द्वारा मदद करी गई थी। कैसे मदद करी गई थी, तो जबलपुर वाले क्षेत्र में और मंडला वाले क्षेत्र में, कहाँ पर, जबलपुर वाले क्षेत्र में, मंडला वाले क्षेत्र में बहुत विद्रोह हो रहा था। 1857 की क्रांति अपने पूर्ण शबाब पर थी, तो बघेलखंड के राजा से मदद मांगी अंग्रेजों ने, और बघेलखंड के राजा ने मदद कर दी थी कि हाँ ठीक है, आप हमारी सेना ले लीजिए, आप हमारी टुकड़ी ले लीजिए, आप हमारा गोला बारूद का इस्तेमाल करिए और इसको दबाइए। और इसी के फलस्वरूप बघेलखंड राज्य ने जो मदद है, अंग्रेजों ने इन्हें क्या गिफ्ट किया था, अमरकंटक गिफ्ट किया था, ना अमरकंटक गिफ्ट शहर कर दिया था और शहडोल कर दिया था कि अब अमरकंटक और शहडोल किसके अंडर में आएगा, बघेलखंड के अंतर्गत आएगा, है ना। इंपॉर्टेंट है ना, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सारी बुक में ये मिलेगा नहीं, ठीक है। अमरकंटक और शहडोल वाला क्षेत्र मिला किसको, बघेलखंड राज्य के राजाओं को। क्यों मिला, क्योंकि अंग्रेजों की मदद करी। अंग्रेजों की मदद किसमें करी, तो जबलपुर और मंडला में 1857 की क्रांति पूरे शबाब पर थी। किसने दबाई, अंग्रेजों ने दबाई। किसकी मदद से दबाई, बघेलखंड के राजा की मदद से दबाई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखना। हाँ, शहडोल का सुहागपुर वाला जो एरिया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए बेहतरीन। इसी बात पर जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक की बटन पर लाइक दबा दो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। हाँ, बहुत ही बढ़िया, रघुराव नाम भी याद है, बहुत अच्छे, रघुराव सिंह नाम के राजा हुआ करते थे किसके, बघेलखंड राजवंश के, बहुत ही बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, बघेलखंड से ही हो, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बघेलखंड वालों को तो भैया बाघ बहुत पसंद है यार, है ना, बहुत बाघ हमारे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, जयाजी राव सिंधिया के बारे में एक और चीज लिख लेना, इनका राजपाट जो है 1843 से 1886 तक था। अभी मैं बहुत जल्दी पढ़ाने वाला हूँ ये राजवंश सारे के सारे अनअकैडमी पर, तो जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया, डाउनलोड नहीं किया, वो डाउनलोड कर लो, मैं बहुत जल्दी ये पढ़ाने वाला हूँ। होलकर चालू हो गया है, बघेलखंड खत्म हो गया, गोंडवाना खत्म हो गया है, होलकर चालू हो गया है, कल होलकर खत्म कर देंगे। चलिए, बख्तावर सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई थी, भयंकर बेहतरीन व्यक्ति, है ना, बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद के माफिक। बताइए बख्तावर सिंह को फांसी किस जगह पर दी गई, अमझेरा में दी गई, ग्वालियर में दी गई, लालगढ़ के किले में दी गई या इंदौर में दी गई। सीधी से, ओके, सफेद शेर, हाँ क्या बात है, पहले सफेद शेर का नाम भी मोहन था और आपका नाम मदन है। अमजरा, अमजरा धार की एक छोटी सी रियासत थी अमजरा, जहां के राजा हुआ करते थे बख्तावर सिंह। ऋषिता जी कह रही हैं अमजरा, बाकी कह रहे हैं डी, कुछ कह रहे हैं अमजरा, नहीं नहीं अमजरा आंसर नहीं है, अमजरा बिल्कुल आंसर नहीं है। आंसर क्या है, इंदौर। यही चीज जो है गफलत में डालती है, यही चीज जो है दोस्तों कंफ्यूज करती है, इसी को याद रखना। राजा थे अमझेरा के, तो अमझेरा में ही अंग्रेज फांसी नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, डंडे डंडे मारती वहां की जनता, वहां की प्रजा से भी तो कांपते थे भाई, राजा को फांसी देना कोई हल्की बात है क्या, जनता जो है रिवोल्ट कर देती, विद्रोह कर देती, और विद्रोह को ही तो दबाना था। तो इसीलिए बख्तावर सिंह को कहाँ लाया गया, इंदौर लाया गया, और इंदौर के MTH कंपाउंड में इनको फांसी दी गई। आज भी जो आप MY हॉस्पिटल देखते हैं या MTH कंपाउंड जो देखते हैं ना, वहां पर आप जाएंगे तो बख्तावर सिंह की आपको मूर्ति देखने को मिल जाएगी। दोनों ही जगह पर जो है मूर्ति लगी हुई है किसकी, बख्तावर सिंह की,
है ना, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख के रखना। फांसी कब दी गई, तो फांसी दी गई 10 फरवरी 1858 को इनको फांसी दे दी गई थी। अब जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे शहादत खान, जो महू के शहादत खान है, उनको बरगद के पेड़ पे फांसी दी गई थी, वैसे ही हमारे प्यारे बख्तावर सिंह को कहाँ फांसी दी गई, तो इनको फांसी दी गई नीम के पेड़ के नीचे। और ये नीम का पेड़ आज भी जीवित है ना, ये नीम का पेड़ MTH कंपाउंड में आज भी जीवित है, आज भी हरा भरा है ना। आप चाहो तो आपको वहाँ पर फोटो मिल जाएगी, मूर्ति देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखना, कब फांसी दी गई, 10 फरवरी 1858 को फांसी दी गई बख्तावर सिंह को। बख्तावर सिंह कहाँ के राजा थे, तो धार में एक छोटी सी जगह है जिसे अमझरा कहा जाता है, वहाँ के राजा हुआ करते थे, ठीक है। अमझरा कहाँ है, धार में एक छोटी सी जगह, आज भी जाओगे तो वहाँ पर आपको अमझरा मिल जाएगा, एक छोटा सा गांव है अब तो, पर बहुत ही बेहतरीन गांव है। अमझरा की एक और चीज़ फेमस है, राम भगवान के टाइम के कुछ मंदिर वहाँ पर बने हुए हैं, इसलिए भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। गुफाएं भी हैं अमझरा में, बहुत सारी चीज़ें हैं। नीम का पेड़ है ना, MTH कंपाउंड के नीम के पेड़ पर इन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक है। चलिए सर, ये भी पूछते हैं क्या, नहीं पूछते तो नहीं है, पर मेंस के आंसर राइटिंग में अगर आ गया कि मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों के बारे में लिखिए, तो अपने पास लिखने का ऐसा मटेरियल होना चाहिए ना कि एग्जामिनर पढ़े बोले हाँ यार इसने कुछ नया लिखा है, कुछ अच्छा लिखा है, इसको डीप की जानकारी है, जितना डीप में पता हो उतना फायदा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है माता रानी के बारे में, अहिल्याबाई होलकर के बारे में। अहिल्याबाई होलकर ने लगभग तकरीबन 28 वर्षों तक मध्य प्रदेश के इंदौर स्टेट पर या होलकर स्टेट पर शासन किया है। आपको बताना है कि उन्होंने किस समय ये शासन किया, 1767 से 1795, 1768 से 1795, 1739 से 1767, या इनमें से कोई नहीं, बताओ भाई। अरे क्या बात है, बेहतरीन, अच्छी चल रही है गाड़ी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल सटीक आ रहा है। 1767 से लेकर 1795 तक राज करने वाली महिला कौन थी, अहिल्याबाई होलकर थी, जिन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, महेश्वर को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। अब इनके लिए कटप्पा कौन साबित हुआ, इनका कटप्पा कौन था, इनके टाइम पर एक और व्यक्ति था जो हमेशा खड़ा रहा, इनका सिपे सलाहकार, इनका सेनापति, इनका भाई, उसका नाम क्या था। बिल्कुल सही आंसर क्या है, तुकोजी राव होलकर, है ना, तुकोजी राव होलकर। और तुकोजी राव होलकर कौन थे, तो मल्हार राव के भाई के लड़के थे, है ना। तुकोजी राव होलकर कौन थे, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं था मल्हार राव होलकर से, तुकोजी राव होलकर जो है एडॉप्टेड सन थे, और तुकोजी राव होलकर से मल्हार राव होलकर जिन्होंने होलकर राजवंश की नींव रखी, है ना, मल्हार राव होलकर जिन्होंने होलकर राजवंश की नींव रखी, जब ये डेथ इनकी होने वाली थी, जब इनकी मृत्यु होने वाली थी, तो इन्होंने एक वचन लिया था किससे, तुकोजी राव होलकर से, कि कुछ भी हो जाए राजपाट को तुम्हें देखना है, कोई भी इस पर राज नहीं कर पाए, होलकर वंश का ही राज रहना चाहिए। तो तुकोजी राव होलकर ने कसम खा ली थी कि जब तक जीवित रहूंगा होलकर वंश के लिए ही जीवित रहूंगा, है ना। अब मल्हार राव होलकर की डेथ होने के बाद में, है ना, अब राजा किसे बनाया जाता है, तो अब राजा बनने की बारी आती है अहिल्याबाई की। क्यों, इनके बेटे को, इनके हस्बैंड को क्यों नहीं बनाया गया, तो दोनों की ही डेथ हो चुकी थी, इनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी थी, इनके बेटे की भी डेथ हो चुकी थी, तो फाइनली बनना ही किसे पड़ा, अहिल्याबाई होलकर को राजा बनना पड़ा। और जब अहिल्याबाई होलकर राजा रानी बनती हैं, तो तुकोजी राव होलकर जो है हमेशा खड़े रहते हैं इनके लिए। 1795 में जब अहिल्याबाई होलकर की डेथ हो जाती है, तो 1795 से 1797 तक के टाइम पीरियड में तुकोजी राव होलकर जो है वो राजा रहेंगे। अब आप देखिए बंदा कितना खुद्दार है, बंदा कितना दिल रखता है अपने राजा के लिए, अपनी रानी के लिए, कि तुकोजी राव होलकर को जब राजा बना दिया जाता है, उसके बाद भी कभी गद्दी पर नहीं बैठते हैं, कहते हैं ये गद्दी मेरी माँ के लिए है, मतलब माँ कौन, अहिल्याबाई होलकर के लिए है, तो मैं इस सिंहासन पर तो नहीं बैठ सकता, मैं अलग कुर्सी पर बैठूंगा और राज करूंगा, है ना। ऐसे थे तुकोजी राव होलकर, गजब के व्यक्ति, गजब की नेतृत्व क्षमता, है ना। आप जब पढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा होलकर राजवंश के बारे में, एक से एक महान योद्धा। अहिल्याबाई होलकर की बात करो, मल्हार राव होलकर की बात करो, यशवंत राव होलकर की बात करो, तुकोजी राव होलकर के, सब एक से बड़े एक, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है,
पढ़ेंगे अपन, कल से इसी की शुरुआत करेंगे। अनअकैडमी की ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं की है डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर कल होलकर राजवंश के बारे में सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ एक और चीज़ याद रख लेना, अहिल्याबाई होलकर का जन्म जो है वो कब हुआ था, सन 1725 में हुआ था, और इनकी डेथ कब हुई है तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए 13 अगस्त 1795 को हुई है। अहिल्याबाई होलकर से रिलेटेड और प्रश्न जो है मैं कल वाली परसों वाली क्लास में लेके आऊँगा, ताकि अहिल्याबाई होलकर को अपन जबरदस्त तरीके से कम्प्लीट कर लें तो प्री का और मेन्स का दोनों का फंडा खत्म हो जाएगा। सारी चीज़ें यहीं की यहीं याद करा दूंगा मैं, ठीक है। अहिल्या भाई, अरे कहानी पर मत जाओ यार, ये जो टीवी सीरियल में आते हैं ना आधी चीज़ें जो है इधर का उधर कर देते हैं वो। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कनिंगहम ने भरूत स्तूप को कब खोज निकाला। वेन डिड कनिंगहम फाउंड भरूत स्तूप, भरूत स्तूप की खोज, भरूत स्तूप जो कि सतना में है, इसकी खोज कनिंगहम ने किस वर्ष करी, 1880 में, 83 में, 70 में या 73 में। चार क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद, 16-20 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया भैया फटाफट लाइक का बटन दबाते चलो। 1873, 1870 ऐसे आंसर आ रहे हैं, एक आया है 1880। देखिए आंसर क्या है, 1873 में, 1873 में, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 99% लोगों ने सही जवाब दिया है। 1873 में भरूत का स्तूप खोजा गया। भरूत का स्तूप, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भरूत का स्तूप कहाँ पर है, तो याद रखेंगे सतना में है ना, सतना में भरूत का स्तूप है, जिसकी खोज कनिंगहम द्वारा कब करी गई, सन 1873 में कनिंगहम साहब ने यह स्तूप खोज निकाला। अब इस स्तूप की एक खासियत है, इस स्तूप की रेलिंग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस स्तूप की रेलिंग जो है वो कहाँ रखी हुई है। आरबीआई के गेट के बाहर यहाँ के यक्ष की मूर्ति, नहीं यहाँ का यक्ष नहीं है वो, तो यक्ष की मूर्ति है बस। चलिए बताइए कहाँ पर रखा हुआ है, ये जो है बारूद का स्तूप है, इसके आसपास रेलिंग हुआ करती थी, शुंग वंश के जो राजा महाराजा है उन्होंने यहाँ पर स्तूप के आसपास रेलिंग का निर्माण करवाया था। जब ये रेलिंग टूट गई तो इस रेलिंग को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया, तो कहाँ शिफ्ट किया गया। हाँ बहुत ही बढ़िया, नासिक, नहीं, नासिक नहीं, कलकत्ता किया गया। कहाँ किया गया, तो यहाँ की रेलिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी, कलकत्ता के म्यूजियम में देखने को मिलेगी। अब कैसे याद रखें कि सर कलकत्ता, इतने सारे म्यूजियम में कहीं भी रख देते, कलकत्ता ले जाने का क्या कारण था, तो कलकत्ता ले जाने का कारण दोस्तों ये है क्योंकि हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, पुरातात्विक, भारतीय पुरातात्विक विभाग जो है, इसका मुख्यालय ही कहाँ पर है, कलकत्ता में है, है ना। तो अब इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी पुरानी कोई चीज़ है, तो इसे कहाँ ले जाएंगे, कलकत्ता में, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, सबसे बड़ा म्यूजियम है, और उसी संग्रहालय में, उसी म्यूजियम में क्या रखी हुई है, भरूत की स्तूप की रेलिंग रखी हुई है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भरूत का स्तूप कब खोजा गया, 1873 में, इसकी रेलिंग कहाँ रखी है, कलकत्ता म्यूजियम में रखी है, भरूत स्तूप कहाँ आता है, सतना में आता है, रेलिंग किसने बनवाई, तो रेलिंग बनवाई गई शुंग राजवंश के राजाओं के द्वारा। ये तीन चार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं बस, ठीक है। चलिए हाँ, माया रानी का सपना और ये सारी चीजें आपको रेलिंग पर जातक कहानियों के माध्यम से दिखाई जाती है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने किस स्थान पर धर्म युद्ध में दारा को हराया था, इसे धर्माट का युद्ध भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, आपको पेपर में या तो धर्म युद्ध आएगा या ऐसा लिखा हुआ आएगा, धर्माट का युद्ध जो है वो कहाँ पर हुआ था, किस जगह पर हुआ था ना, धर्माट का युद्ध जो है वो कहाँ पर हुआ था, जिसमें दारा शिकोह को औरंगजेब ने हरा दिया था, है ना। ये लड़ाई हुई थी 15 अप्रैल 1658 को, तो बताइए कहाँ हुई थी। नहीं पता, आज पता लग जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, आंसर क्या है, उज्जैन, है ना। आंसर क्या है, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जो है, उज्जैन में हुआ था धर्मठ का युद्ध, धर्मठ से, उज्जैन से करीबन 15 किलोमीटर दूर पर जो है ये युद्ध हुआ था, जिसे कहा जाता है धर्म का युद्ध या धर्मठ का युद्ध, जो किस किसके बीच में हुआ था, तो औरंगजेब के बीच में हुआ था, औरंगजेब की सेना और सामने कौन थी, दारा शिकोह की सेना थी, है ना, सामने दारा शिकोह की सेना थी। अब ये दारा शिकोह और औरंगजेब लड़के लिए दोनों सगे भाई है, आपस में लड़ने का कारण क्या बना, तो लड़ाई थी उत्तराधिकारी की, कि अब राजा कौन बनेगा, है ना। तो आपको अच्छे से याद होगा, एकमात्र
एकमात्र राजा है शाहजहां, जिसके सामने उसके बेटे ने एक दूसरे का कत्ल किया, है ना। चार बेटे हुआ करते थे शाहजहां के, और औरंगजेब ने फाइनली क्या किया, ये शाहजहां को ही काल कोठरी में डाल दिया, और जहां पर सिर्फ ताजमहल का ये दीदार कर सकता था, और फाइनली शाहजहां की वहीं पर डेथ हो जाती है और औरंगजेब जो है वो राजा बन जाता है। ठीक है, अब शाहजहां क्या चाहता था, शाहजहां चाहता था कि उसका सबसे बड़ा बेटा दारा शिको जो है वो राजा बने, पर दारा शिको राजा नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि औरंगजेब विद्रोह छेड़ देता है, है ना। अब ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि इतिहास ने बार बार करवट ली है, बार बार करवट ली है। एक बार राणा सांगा के टाइम पर ली जब बाबर युद्ध जीत गया, एक बार हेमू के टाइम पर ली जब अकबर युद्ध जीत गया, और तीसरे बार करवट ली जब दारा शिको से युद्ध हुआ और औरंगजेब युद्ध जीत गया। अब एक टाइम ऐसा था इस युद्ध में जब दारा शिको बहुत भारी पड़ रहा था औरंगजेब पर, औरंगजेब की सेना को गाजर मूली जैसे काटता जा रहा था, लेकिन एक किस्सा, एक वाक्य ऐसा हुआ जिसने स्थिति बदल दी। स्थिति ये बदल दी कि जिस हाथी पर दारा शिको बैठा हुआ था वो हाथी ही गिर पड़ा और उल्टा चल दिया। अब जब राजा ही गिर गया, जब राजा ही गिर गया तो सेना का क्या होगा, और बस इसी चक्कर में क्या हुआ, पासा पलट गया और औरंगजेब ने सबको निपटाते हुए चला गया। ठीक है, और औरंगजेब फिर जो है राजा बन गया, है ना। अब ये कहानी सुननी है तो ये कहानी सुनने के लिए अनअकैडमी डाउनलोड करिए, वहाँ पर इतिहास पढ़ाता हूँ, वहाँ पर ऐसे ही अजब गजब किस्से आपको सुनाऊंगा जिससे आपको इतिहास ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, सब कहानी कहानी है। ठीक है, बड़ा मजा आएगा इतिहास पढ़ने में, आप आइए अनअकैडमी डाउनलोड करिए, आइए मजा मस्ती करेंगे। चलिए, हाँ, उज्जैन से थोड़ा दूर धर्माट नाम की जगह है, आज भी स्थित है धर्माट नाम की जगह। वहाँ पर एक दीवार, एक पत्थर पर जो है पूरी स्टोरी लिखी हुई है कि यहाँ पर युद्ध हुआ था औरंगजेब का और दारा शिको की सेना का, और दारा शिको की सेना को लीड करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, जसवंत सिंह। ऐसी तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को इनमें से किसके द्वारा हराया गया, है ना। मांडू का एक सुल्तान हुआ करता था जिसे आप बाज बहादुर के नाम से जानते हो, और इनकी वाइफ हुआ करती थी बहुत ही सुंदर रानी रूपमती, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो मतलब आपको बताना है कि ये बाज बहादुर को हराने वाला व्यक्ति कौन था, बाबर की सेना ने हराया, हुमायूं की सेना ने हराया, अकबर की सेना ने हराया, या जहांगीर चचा की सेना ने हराया। क्या बात है, क्वेश्चन मतलब ज़्यादा इजी हो गया। अकबर की सेना ने, चलो मान लिया आप ऐसा कह रहे हो तो मान लेते हैं कि अकबर की सेना ने हराया। अब बता दो अकबर की सेना से लड़ने कौन आया था बाज बहादुर से, उस व्यक्ति का नाम बता दो जो लड़ने आया। अदम खान को भेजा था, अदम खान और पीर बख्श, बिल्कुल सही। किसे भेजा था, दो व्यक्ति आए थे, एक व्यक्ति था अदम खान और दूसरा व्यक्ति था पीर बख्श। ठीक है, ये दोनों युद्ध लड़ने आए थे, पीर बख्श और अदम खान। कब लड़ने आए थे, ये युद्ध हुआ 1561 में, फिर एक युद्ध हुआ 1562 में, टोटल दो युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हुए हैं, दो युद्ध जो है हुए हैं। हाँ, अब देखो कहानी क्या है, यहीं की यहीं याद करा देता हूँ, सारी पिक्चर खत्म। हुआ ये था कि बाज बहादुर जब राजा बना हुआ था, बाज बहादुर के पास मालवा की पूरी बागडोर थी, तो बाज बहादुर ने सोचा क्यों ना मैं एरिया का और विस्तार करूं, अपने राजपाट का और विस्तार करूं। तो इसने रानी दुर्गावती पर, है ना, गड़ा मंडला वाली जो रानी दुर्गावती, महान रानी, रानी दुर्गावती, उन पर हमला किए। पर रानी दुर्गावती भी कोई कम थी क्या, इतने बार हमला किया गया बाज बहादुर के द्वारा, लेकिन बाज बहादुर कभी नहीं जीत पाया, हमेशा मुंह की खाई। अब जब बाज बहादुर को समझ में आ गया कि रानी दुर्गावती को हराना तो बड़ा मुश्किल है, तो क्या करें, तो बोले चलो मांडू चलते हैं, शादियाबाद चलते हैं। अब जब ये शादियाबाद जाता है तो वहाँ पर इसे मिल जाती है एक लड़की जिसका नाम क्या है, रूपमती नाम है। जब रूपमती को देखता है तो भाई अपना दिल दे बैठता है, भाई जब अपना दिल दे बैठता है और रानी रूपमती के पास में शादी का प्रस्ताव पहुँचाता है, तो रानी रूपमती कहती नहीं होगा, नहीं जम्बो, बोले नहीं करूँगी शादी। बोले क्यों नहीं करेगी, तो बोले मुझे नर्मदा नदी देखनी रहती है, मैं वहीं शादी करूंगी जहां से नर्मदा नदी देखने को मिले। तो भाई भी पक्का आशिक था, है ना, बाज बहादुर भी पक्का आशिक था, इसने रेवा कुंड का निर्माण करवा दिया। आपसे पूछा जाएगा रेवा कुंड कहां पर स्थित है, तो याद रखना मांडू में है रेवा कुंड। अब मांडू कैसे पहुंच गया रेवा कुंड, क्योंकि रानी रूपमती की देखने की इच्छा थी कि हमेशा मैं रोज नर्मदा नदी के दर्शन कर पाऊं, तो इसलिए रेवा कुंड जो है वहां पर किसके द्वारा बनवाया गया, बाज बहादुर के द्वारा। अब बाज बहादुर और रानी रूपमती म्यूजिक में जो है ज्यादा इंटरेस्टेड थे, तो ये अपने गाने बजाने वाली चीजें जो चलती रहती थी। अब यही चीज जो है किसको समझ में आई, अकबर को, कि मुझे मेरे क्षेत्र का विस्तार करना है। तो अकबर विस्तार करते करते अपनी सेना कहाँ भेज देता है, तो सेना भेज देता है मालवा। अब जब मालवा पर मांडू में सेना पहुंचती है तो अटैक कर दिया जाता है। अब मालवा की
अकबर की सेना के आगे, मुगल सेना के आगे क्या लगेगी, मांडू की सेना या मालवा की सेना, है ना। तो बाज बहादुर की हार होती है, बाज बहादुर रानी रूपमती को ले जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं क्योंकि आदम खान पकड़ लेता है किसको, रानी रूपमती को। पर रानी रूपमती भी ओरिजिनल रानी है। रानी रूपमती क्या करती है, आदम खान से बचने के लिए जहर खा लेती है और सुसाइड कर लेती है। फिर अगले वर्ष वापस से युद्ध होता है, क्यों, क्योंकि आदम खान जो है ये गलती करता है, क्या करता है कि जनता को बहुत परेशान करता है। जब जनता को परेशान करता है तो जनता विद्रोह छेड़ देती है, और विद्रोह छेड़ देती है तो आदम खान को भागना पड़ता है। आदम खान भाग कर कहाँ पहुँच जाता है, फतेहपुर सिकरी पहुँच जाता है। जब अकबर को पता लगता है तो आदम खान को भयंकर डांट सुनाई जाती है और 1562 में वापस भेज दिया जाता है। वापस जब युद्ध होता है तो इस वापस युद्ध में हार हो जाती है किसकी, बाज बहादुर की, और बाज बहादुर गुजरात भाग जाता है। अब जब गुजरात भागता है तो फाइनली 1568 में बाज बहादुर की डेथ हो जाती है ना। 1568 में बाज बहादुर की डेथ हो जाती है और इसका मकबरा जो है अकबर के द्वारा ही बनवाया जाता है ना। बाज बहादुर का और रानी रूपमती का, दोनों का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया, तो अकबर के द्वारा बनवाया गया। अब आपको बस ये बताना है, ये कहानी का सार कि ये बताना है कि बाज बहादुर का मकबरा किस जगह पर स्थित है। कमेंट करके बताएंगे बाज बहादुर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, बताओ भाई किस जगह पर बाज बहादुर का मकबरा आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही, मांडू की कैपिटल हुआ करती थी, मांडू राजवंश की कैपिटल ही हुआ करती थी सारंगपुर, है ना। तो सारंगपुर में ही जो है मकबरा बनवाया गया किसका, बाज बहादुर का और रानी रूपमती का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, विशेष विशेष तौर पर देखना, रखना याद। राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए बाज बहादुर का मकबरा किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया। बताइए बाज बहादुर की मृत्यु कब हुई, 1568 में हुई, है ना। बताइए रानी रूपमती की मृत्यु कब हुई, 1561 में हुई। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म भवरा अलीराजपुर में हुआ था, ये हम सबको पता है, पीएससी बहुत बार पूछ भी चुकी है, पर कब हुआ था, उनकी बर्थ डेट बतानी है। 23 जुलाई 1905, 23 जुलाई 1906, 23 जुलाई 1907, या इनमें से कोई नहीं। बड़ा ही बेहद लड्डू सा क्वेश्चन है। हाँ, शादी के वफा और शादी के आशिक, अच्छा ये भी याद है, बहुत बढ़िया। सोमेश जी कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं सी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, जा रही है गाड़ी। भैया जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक ठोक देना, और इसका आंसर जो है 90% जनता सही बता रही है, 23 जुलाई 1906 को, है ना। 23 जुलाई 1906 को एक ब्राह्मण वंश के घर में जो है पैदा लिया था, किसने जन्म लिया था, किसने, चंद्रशेखर साहब ने। चंद्रशेखर साहब का ही पूरा नाम क्या था, चंद्रशेखर तिवारी नाम इनका था। अलीराजपुर के भभरा नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था, और इनकी डेथ जो है वो कहाँ पर हुई है, तो इनकी डेथ हुई है अलाहाबाद में, है ना, एल्फ्रेड पार्क अलाहाबाद जो है यहाँ पर इनकी डेथ हुई है। और डेट की डेथ की डेट क्या है तो वो याद रखेंगे, 27 फरवरी 1931, ठीक है, 27 फरवरी 1931 को इनकी डेथ हो गई थी, है ना। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखना। ये पीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है कि बताइए चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है किस जगह पर हुआ था, हो सकता है अब पूछ ले कि इनका बर्थ डेट जो है वो क्या है, ये शहीद कब हुए, शहीद कहाँ हुए, ऐसे तमाम क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो क्लास कब तक चलेगी, बस इसके बाद एक क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन और है, बस क्लास एंड हो जाएगी अपनी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस जिले में मध्य प्रदेश में नरवर राजा की राजधानी हुआ करती थी, नल नरवर नाम की, है ना। राजा नल की राजधानी नरवर हुआ करती थी, वो जो है वो किस जिले में आता है नरवर, वो आपको बताना है, ग्वालियर में, दतिया में, शिवपुरी में, या इनमें से कोई नहीं। हाँ, नल दमयंती की कहानी है, एक बेहतरीन सी लव स्टोरी है, बेहतरीन सी लव स्टोरी है। बिल्कुल सही, शिवपुरी,
शिवपुरी जो है बिल्कुल सही जवाब है। शिवपुरी में ही आपको क्या देखने को मिल जाएगी, नरवर तहसील देखने को मिल जाएगी, जो किसकी राजधानी हुआ करती थी, तो राजा नल की राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ पर एक कहानी फेमस है, नल और दमयंती की प्रेम कहानी जो है वो फेमस है ना। ये भी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। चलो एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का प्राचीन नाम क्या था। प्राचीन नाम क्या, दो क्वेश्चन करा दिए इसलिए आप लोगों को, है ना। एक ग्वालियर का समझ लिया, वत्स्य। अब बात कर रहे हैं, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तुंडिकर, मंदाता, अनूप या त्रिपुरी। सोच समझ कर आंसर लगाना, आपका आंसर आपसे 2 नंबर कम करवा सकता है। जिनका आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल सही है। जिनका आंसर आ रहा है सी, गलत है। ठीक है, आंसर क्या है, मंधाता। मंधाता नगरी कहा जाता है खंडवा को, क्या कहा जाता है, मंधाता नगरी कहा जाता है। अब मंधाता किसके द्वारा बसाई गई, तो राजा मुचकुंद के द्वारा बसाई गई। किसके द्वारा, इधर लिख दूं नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। राजा मुचकुंद के द्वारा बसाई गई शहर है, जिसको हम कहते हैं क्या, खंडवा, है ना। इसे ही क्या कहा जाता है, मंधाता कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखना। जो लोग अनूप लगा रहे हैं, अनूप क्या हुआ, निमाड़ वाला क्षेत्र हुआ। निमाड़ वाला क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, तो खंडवा और खरगोन वाला क्षेत्र हुआ, है ना। खंडवा और खरगोन वाला क्षेत्र मिलकर क्या बनेगा, निमाड़ बनेगा, है ना। इस चीज का विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ना। अब फटाफट से ये बता दो, ये जो राजा मुचकुंद है, ये किस राजवंश के राजा थे, ये भी बता दो तो मजा ही आ जाएगा। राजा मुचकुंद किस राजवंश के राजा है। अरे बहुत ही बढ़िया, क्या बात, गजब की तैयारी, बेहतरीन तैयारी, बहुत ही अच्छा अच्छा लगा इतनी शानदार तैयारी देखकर। इसी बात पर जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक बटन दबा दो भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। डेली अपनी क्लास 6:30 बजे चलेगी, जिसमें एमपी के अपन धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे। इक्ष्वाकु राजवंश, इक्ष्वाकु डायनेस्टी को बिलोंग करते थे राजा मुचकुंद, और उनके द्वारा ही नर्मदा नदी के तट पर एक शहर बसाया गया, जिसे मंधाता नाम दिया गया। और आगे चलकर यही मंधाता क्या कहलाया, यही मंधाता खंडवा कहलाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। खंडवा हो गया मंदाता, माहेश्मति हो गया महेश्वर, ठीक है, और खंडवा खरगोन मिलकर क्या बन गए, अनूप बन गए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ब्रदर ऑफ नर्मदा। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलो दोस्तों, यहाँ तक थे क्वेश्चन, है ना। रोज क्लास डेली रहेगी 6:30 बजे, है ना। लाइक करके जाना क्लास को, जिन्होंने फॉलो नहीं किया है, अनअकैडमी पर आके फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन चलते रहते हैं। डेली आपकी यूट्यूब पर क्लास चलेगी 6:30 बजे, 6:30 PM पर। ठीक है, और MPGK के तमाम क्वेश्चन ऐसे ही हंसते हंसते हम कर लेंगे, और इस बार फोड़ के ही मानेंगे। ठीक है, फोड़ के ही मानेंगे इस बार पेपर, बिल्कुल टेंशन ना लो, हंसते हंसते पेपर निकाल देंगे। 6:30 बजे डेली दोस्तों के साथ शेयर करना, ये आपका काम है, वो आपकी जिम्मेदारी, आपको याद कराना मेरी जिम्मेदारी, है ना। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ठीक है, चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया हो लाइक करके जाइएगा। ठीक है, चलो अब मैं भी जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत सभी को, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल सभी को।